ग्रामीणों को दिखा बीमार तेंदुआ, सेल्फी लेकर की सवारी। सोनकच्छ क्षेत्र में तेंदुए के साथ ग्रामीण इकलेरा माताजी में नदी किनारे जंगल में दिखाई दिया नर तेंदुआ। बीमार तेंदुए में नहीं दिखाई की फुर्ती, ग्रामीणों ने बनाए फोटो वीडियो और ली सेल्फी। सुस्त दिखाई दिया तेंदुआ। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तेंदुए को वन विभाग की रेस्क्यू टीम जंगल से लेकर इलाज के लिए हुई रवाना। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में बजरंग दल के द्वारा कराई गई FIR। बता दें कि 28 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया था। सीएम शिवराज ने बहनों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। यह रक्षाबंधन का पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि और रिद्धि लाए और मेरी बहनों का घर और आंगन खुशियों से भर जाए। मेरी प्रिय बहनों, भाई का प्रणाम। रक्षाबंधन की राखी की हृदय से शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन का पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए और मेरी बहनों का घर और आंगन खुशियों से भर जाए। सतना सेंट्रल जेल में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। बहनों ने सेंट्रल जेल में जाकर भाइयों को बांधी राखी। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने का त्योहार माना जाता है। ऐसे में सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को रक्षाबंधन सूत्र बांधने के लिए उनकी बहनें हर साल आती हैं। इसी को देखते हुए इस साल भी बेहतरीन तैयारी की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वैश्य समाज की आवश्यक बैठक बुलाई गई। सर्किट हाउस स्थित वैश्य सम्मेलन के जिला कार्यालय कमला मार्केट सतना में वैश्य समाज के सभी 23 घटकों की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वैश्य समाज की तरफ से वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री एवं रीवा संभाग प्रभारी हरिओम गुप्ता BJP संगठन से बात करके वैश्य समाज की बात पार्टी के सामने रखे और होने वाले आगामी चुनाव में वैश्य समाज को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वैश्य समाज हमेशा से BJP समर्थक वोट बैंक रहा है, लेकिन हर बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वैश्य समाज को छला जाता है। लेकिन इस बार अगर वैश्य समाज को प्राथमिकता नहीं दी गई तो पार्टी को समाज से नाराजगी झेलनी पड़ेगी। सतना बाढ़ सागर जलाशय में मछली मारने गए अधेड़ की जलाशय में तैरती मिली लाश। रामनगर थाना पुलिस मौके पर कर रही मामले की जांच। युवक का नाम प्यारे लाल कोल कल देर शाम कर्रा गांव से बाढ़ सागर जलाशय गया था अधेड़। मार्शल आर्ट एकेडमी के 4 ताइक्वांडो खिलाड़ियों का केवी नेशनल के लिए हुआ चयन। 24 से 26 अगस्त को रीवा में बालिका वर्ग और सागर में बालक के संपन्न हुए केंद्रीय विद्यालय SGFI रीजनल में जिला ताइक्वांडो संघ के सतना केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत 7 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 4 ताइक्वांडो खिलाड़ियों का केवी नेशनल में हुआ चयन।